सो वेलकम डियर ऑडियंस, इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ इस हॉकिंस के जो कुकड़ है 4 लीटर की। मैंने 4 लीटर का लिया क्योंकि 3 लीटर का थोड़ा सा कम पड़ रहा था और 5 लीटर का सबसे ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने 4 लीटर का लेने का सोचा। और ये आप देखोगे तो इसके जो है वो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 3425, लेकिन मैंने इस जो है इसे ऑफलाइन परचेज़ किया है तो ये 3080 में पड़ गए। आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो शायद आपको 3000 तक मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा शायद महंगा पड़ेगा। तो आप देख लेना फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, जिस पे भी आपको लेना हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैं आपका जो है वो इस मैंने इसे एक दो दिन यूज़ भी किया है और उसके बाद रिव्यू बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ नहीं खास रहता है। मैंने निकाल दिया हुआ है तो फिर वो सब कुछ एक वारंटी कार्ड रहता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसे ऑफलाइन लिया था तो जो दुकान वाले ने है इसे यहाँ पे अपना मोहर लगाकर और इसे स्टेपल करके दिया है। लेकिन आप जो है वो अगर इसे ऑनलाइन लेते हो तो आपको बस ये वारंटी कार्ड ऐसे ही रहेगा और उसके इसमें इनवॉइस ही आपका काम कर जाएगा। ओके, तो ये जो है वो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया था तो इसलिए ऐसा था। और साथ ही में अगर मैं बता दूँ कि इसमें और कुछ नहीं है, एक जो है वो बस ये मेनू का है ऐसा लिखा हुआ और मेनू कार्ड है, मतलब कि कौन कौन से आप जो है वो आइटम्स बना सकते हो वो सब। लेकिन ये फालतू है कि आपके ज़्यादा काम की नहीं है। ओके, तो देखो इसमें क्या क्या रहती है। पहली बात वो बात कि आपको एक ऐसा लीड मिलेगा। ओके, फिर ये रबड़ गैसकेट और ये जो वेंट वेट है यानी कि जो सीटी हम लोग बोलते हैं वो है, और ये मेन हमारा कुकर। तो ये कुछ ऐसा आपको असेंबल करने के बाद आपको बनता है। ये आपको इसमें जो है वो मुझे एक चीज़ लगी कि ये जो है ना हल्का ढीला है, मतलब कि ये जो है आपको उतना टाइट नहीं है। जैसे अगर मैं इसे रख दूँ शांत से तो ये जो है वो मीन्स हल्का रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है कि लिड हैंडल अलाउज मूवमेंट फॉर प्रॉपर सीलिंग। मैंने दुकानदार से जो है वो बात की कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये सभी कुकर्स में ऐसा ही होता है ताकि अच्छे से वो बैठ सके। अब पता नहीं ये बात जो है वो कितनी सही है या नहीं है, लेकिन मुझे भी लगा ठीक है बोल रहे होंगे तो सही ही होगा। तो ये एक चीज़ है, लेकिन एक बात है कि ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब आप जो है वो सोचोगे कि बहुत भारी है तो वो बहुत भारी नहीं है। और अगर आप इसका सीटी हटा दोगे तो सीटी हटाने के बाद ये काफ़ी हल्का फील होगा, मीन्स आपको लगेगा ही नहीं कि ये वेट है इसमें ज़्यादा। ओके, तो ये जो है वो काफ़ी हल्का फील होता है। और यहाँ पर जो है वो अगर मैं ये स्टेनलेस स्टील का है पूरा, एलुमिनियम का नहीं है। और इसके बाद जो है वो बात करूँ इसकी, क्योंकि ये हमारा मेन बॉडी है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो है वो नीचे काफ़ी हेवी बेस है, ये बेस जो है वो काफ़ी हेवी है। और यहाँ पे जो है वो ये सैंडविच बॉटम है। सैंडविच बॉटम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है सैंडविच बॉटम। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, सैंडविच बॉटम, ये देखो, एक्स्ट्रा थिक 5.8 mm सैंडविच बॉटम, हीट इवेंली स्टेज फ्लैट। तो मेन जो है वो इसका, जैसे अगर आप अदर इंडक्शंस वाले कुकर लोगे तो उसमें क्या होता है कि इसका जो बेस होता है ना, बेस पे वो एक जो है वो छोटा छोटा आपको दाने जैसा दिखता है, लेकिन वो निकल जाता है बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम निकल जाता है जब उस पर पानी पड़ता है। लेकिन इसमें जो है वो उसकी चांसेस कम है, ये भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकलेगा, ये भी निकल सकता है। लेकिन इसमें जो है वो आप देखोगे कि ये जो जहाँ पे जॉइंट है ना, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से ही बस थोड़ा सा वाटर का एंट्री का चांसेस है। लेकिन आप थोड़ा सा रेस्ट अश्योर हो सकते हो कि हॉकिंस का है तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ करोगे तो फिर शायद जो है ये निकल सकता है। तो ये जो है वो इसका कुकर का है ऐसा, और आप इसको चाहे तो देख सकते हो। और एक चीज़ मुझे इसमें और ख़राब लगी कि जब जैसे यहाँ पे जो ये है ना, तो अंदर में जैसे यहाँ पे अगर आप बर्तन मांज रहे हो तो फिर इसको जब आप यहाँ पे अपना हाथ रखोगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन है इनको थोड़ा सा और जो है वो मतलब ये शार्प है। तो ये अगर थोड़ा सा अच्छा कर्व के शेप में ये बनाते तो शायद इसमें जो है वो हाथ ये सब कटने की या छिलने की चांसेस कम रहते। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मतलब जैसे अगर आप जैसे ऐसे कर और ये अगर ऐसे लग गया तो फिर, या फिर ऐसे चला गया जोर से, तो शायद आपको हाथ पे कट सकता है। तो वो जो है वो मुझे एक इसमें जो है वो इसका ड्रॉबैक लगा।
अबव ऑल मैं बात करूँ कि कुकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब आप उस पर रखोगे तो मैं उस पर भी आपको रख के दिखा देता हूँ। और ये जो है वो ये काफ़ी हल्का है, तो और ये एक ढीला भी है। अब पता नहीं आपका अगर आता है तो वो ढीला रहता है या फिर वो टाइट है, मुझे बता देना। ये मेरा जो है वो तो मिस लूज़ है, आपका जो है वो फॉर्म है या फिर क्या है बता देना। पता नहीं, मुझे तो यही मिला। और जैसे इसे इस पर लगा देते हैं, और मैं आपको जो है वो आपको इस पर चढ़ा कर भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये मेरा इंडक्शन है, ये भी नया ही मैंने लिया हुआ है। तो स्विच को पहले ऑन करते हैं, और ये आप देख सकते हो कि ये जो है वो कुकर टॉप है, ये इंडक्शन का कुकर इंडक्शन का है, ये फ़िलिप्स का है। तो जैसे आप स्टील का ग्लास भी रखोगे ना तो ये भी काम करता है। इस पर आपको शायद अगर पता हो या नहीं, जैसे देखो ये मैं ऑन करता हूँ और लेट से मैं स्लो कुक पे टैप करता हूँ, तो देखो ये भी अभी जो है वो ले रहा है। ओके, और मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं आपको प्रेशर कुकर डाल के दिखाता हूँ। तो ये जैसे ये फ्लैट इसका पूरा बॉटम हो गया, इसको आप यहाँ पे डालो। ओके, और इसके बाद जो है थोड़ा सा पानी में डाल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं डालूँगा तो क्या होगा कि ये जो है इसका बेस जलने लगेगा। ओके, तो इस वजह से मैं पानी डाल देता हूँ इसमें। इसको ऑन है, ऑन पे मैं टैप करता हूँ और प्रेशर कुकर पे टैप करता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पे 30 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 30 मिनट तक ऐसे। और ये टेम्परेचर है, ये वाटेज है, ये वार्म है टेम्परेचर में। और अंदर में आप देखोगे कि वाटर जो है वो आपको शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं, लेकिन हल्का हल्का जो है वो बॉयलिंग यहाँ पे हो रही है। तो इसमें अगर मैं उंगली डालूँ तो पानी मुझे गरम गरम फील हो रहा है। ओके, तो काफ़ी जो है वो ये ठीक है, काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अब कितना साल चलता है ये इसकी कुछ गारंटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 5 साल की वारंटी आपको मिली है, और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पे है। अगर आपका इन सभी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस पर वारंटी नहीं रहती है, मतलब अगर आपका सीटी ख़राब हो गया या फिर इसका रबर ख़राब हो गया तो उस पर वारंटी नहीं रहती है। अब देखो जैसे पानी उबलने लग गया है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है पानी बहुत उबल रहा है, तो देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ओके, और आप चाहे तो टेम्परेचर ऐसे बढ़ा घटा सकते हो। तो बस यही मैं वीडियो को एंड करूँगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हो पानी अच्छे से उबल रहा है, और थोड़ा सा मुझे अनइवन सा लग रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे आप देखोगे कि टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा लग रही है, और अब जो है वो यूनिफॉर्मली लग रहा है, अब यूनिफॉर्म लग रहा है। तो ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस ऐसा है मेरा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो आपको भाप निकलती हुई शायद दिखाई दे, यहाँ से भाप निकल रही है। तो अब इसे बंद कर देते हैं, जस्ट फॉर डेमॉन्स्ट्रेशन था। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है आप भी बताना। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा इसको बाय करने का, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।